यहाँ पे जब जसपुर राजा थे उस समय यहाँ पे प्रचुर मात्रा में हीरा मिलता था, लोग यहाँ पे हीरा खोजने के लिए आते थे, इसी के नाम से हीरादा पड़ा है। तो मेरे प्यारे भाई और बहनों, तो आप लोगों को दिखाएंगे आज हीरादा का नजारा और क्या क्या हीरादा में है वो भी दिखाने वाले हैं, इसलिए वीडियो अंत तक बने रहिएगा। हीरादा धाम का तोरण द्वार बनाया गया है, आप अगर इधर जाते हैं तो हीरादा का जो पर्यटक स्थल है, जो असंख्य जो गड्ढे हैं उसका नजारा देख सकते हैं, इधर आप जाते हैं तो आप छत्तीसगढ़ के लिए निकल जाते हैं। अभी जा रहे हैं हम लोग हीरादा के नीचे और दिखाएंगे अभी नजारा। मंदिर का स्थापना 1991 में हुआ था, जब भारत आजाद हुआ 1947 में, उसका 4 साल बाद में ही ये मंदिर बनके तैयार हुआ है, तब से यहाँ पे रथ यात्रा निकाला जाता है। यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं, यहाँ पे सामुदायिक भवन भी है, यहाँ पे शादी ब्याह का भी जब समय आता है तो यहाँ पे शादी ब्याह भी किया जाता है। ये जगन्नाथ मंदिर है, यहाँ पे आपको सुभद्रा, बलभद्रा और ये उसकी जो मूर्तियाँ हैं, ये साल में 2 बार यहाँ पे रथ चलता है। अभी 14 जनवरी मकर संक्रांति के उपलक्ष में भी यहाँ पे रथ का आयोजन होता है और यहाँ से रथ यात्रा निकाला जाता है, उसके बाद में फिर आपका दूसरा बार भी यहाँ पे रथ होता है। और इधर आप देख रहे हैं, ये बजरंगबली का मंदिर है, यहाँ पे अगर बजरंगबली के भक्त हैं तो आप यहाँ पे भी आकर पूजा पाठ कर सकते हैं। देख सकते हैं यहाँ पे मंदिर बनाया गया है, आप देख सकते हैं। ये शिव जी का मंदिर है, यहाँ सावन में पूजा किया जाता है, आप आकर सावन में भी यहाँ पे आप आके यहाँ पे दर्शन कर सकते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे, अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे बहुत ही प्राचीन शिव जी का मंदिर है, यहाँ पे मूर्ति है, गणेश जी का है, आप लोग देख सकते हैं। यहाँ सावन में बहुत ही भीड़ रहता है पूरा सावन भर। गड्ढा दिख रहा है, यहाँ पे गर्मी हो चाहे बरसात हो, यहाँ पे सालों भर पानी रहता है और इसमें जब श्रद्धालु आते हैं तो यहाँ का पानी को लेकर यहाँ मंदिर में जल चढ़ाते हैं। और उसके बगल में भी आप देख सकते हैं, यहाँ पे भी एक जो खाई बना हुआ है, अगर इसमें पहले का मान्यता के अनुसार में बोला जाता है कि यहाँ से लोग नदी की ओर जाते थे, यहाँ से अंदर अंदर में ये गुफा सीधे नदी तक लेके गया है। यहाँ पे भी बरसात में केवल पानी रहता है लेकिन ये बहुत ही गहरा है, ये नदी तक गया हुआ है। आप यहाँ पे बैठ के अगर सेल्फी लेते हैं तो एकदम पूरा नजारा आपको हर तरफ से दिखेगा। उदाहरण के तौर पर अभी आप देख सकते हैं ये कितना अच्छा सेल्फी यहाँ पे आ रहा है, और इधर भी पूरा रोड के साइड में भी दिखेगा। साथ ही साथ हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे एक ये सामुदायिक भवन है, आप यहाँ पे आके रुक के थोड़ा सा आराम कर सकते हैं। बगल में भी देख रहे हैं आप सेल्फी जोन है ये। दोस्तों आप लोगों को मैं बता देता हूँ, जगह जगह में गड्ढा गड्ढा है, देख सकते हैं इधर पत्थर किस प्रकार के गड्ढा हो गया है, देख सकते हैं हम दोस्तों। उसके बाद आप लोगों को और दिखाता हूँ रे बाबा, और देखिए इधर किस प्रकार के अंदर हो गया है ये। आप हीरादा के बारे में बताइए थोड़ा, जितना जानते हैं उतना बताइए, थोड़ा सा हीरादा के बारे में जानना चाहिए। सभी को जोहार, ये हम लोग आए हुए हैं गुमला जिला अंतर्गत रायडी प्रखंड सोसांग थाना में, हीरादा जो पिकनिक स्थल है वहाँ पे आए हुए हैं। ये यहाँ पे जो पुराने मान्यता के अनुसार में यहाँ पे जब जसपुर राजा थे उस समय यहाँ पे प्रचुर मात्रा में हीरा मिलता था, लोग यहाँ पे हीरा खोजने के लिए आते थे, इसी के नाम से
हिरादा पड़ा है। ये रायडी प्रखंड से 20 किलोमीटर दूरी पे है। यहाँ पे अगर हम पिकनिक मनाने के लिए आते हैं तो पिकनिक अगर हम मनाने के लिए आते हैं तो यहाँ पे बहुत ही छोटे छोटे गड्ढा है जो कि बहुत ही डेंजर जोन के रूप में है। ये गड्ढा करीब करीब 20 फीट 25 फीट 30 फीट गड्ढा है। यहाँ पे आए दिन अगर देखते हैं तो अगर सुरक्षा नहीं बरतने पर यहाँ पे दुर्घटना होता है। इसलिए जब भी यहाँ पे आए आप हिरादा एक बार जरूर आए, लेकिन यहाँ पे सावधानी बहुत जरूरी है। अगर आप सावधानी नहीं बरतते हैं तो यहाँ पे दुर्घटना होने की संभावनाएं हैं। और यहाँ पे जब भी आए तो यहाँ पे 4 बजे से 4:30 बजे तक ही रहे, क्योंकि यहाँ पे सुरक्षा का दृष्टिकोण से ये 4 बजे तक ही अच्छा रहता है। अभी आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे जो पानी गिर रहा है वो कैसे घूमते हुए नीचे यहाँ से करीब करीब 1-1.5 किलोमीटर दूर तक यहाँ का गड्ढा से पानी होके जाता है। और हमेशा यहाँ पे पानी घूमता ही रहता है। वहाँ पे जब जाता है पानी तो पता नहीं कहाँ निकलता है, उसका कोई पता नहीं रहता है। इस तरह से ये बहुत ही आप लोग देख रहे हैं कि एकदम यहाँ पे छोटे छोटे गड्ढा दिख रहे हैं, वहाँ से पानी गिर रहा है। पानी गिरने के बाद में इधर उधर जा रहा है। आप लोग और आगे आके देखिए यहाँ पे छोटे छोटे गड्ढा है जिसमें अभी फिलहाल में पानी दिख रहा है गहरा। इस तरह से आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे गड्ढा बना हुआ है। इस तरह से हजारों गड्ढा आपको इस इरादा में दिखेंगे। अभी आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे भी गड्ढा है। ये अगर देखा जाए तो बहुत ही गड्ढा है। और आप लोग इधर देखिए, यहाँ से जब पानी आती है तो पानी का बहाव के साथ साथ में गड्ढा में गिरते हुए यहाँ पे नीचे देख रहे हैं कैसे वाइट होके एकदम घूमते हुए पानी का नज़ारा आप लोग देख रहे हैं। इसी तरह से पंखियों यहाँ पे गड्ढे हैं। अगर इधर देखेंगे तो यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे भी गड्ढा है। तो यहाँ पे अगर हम लोग आते हैं, अगर आप बच्चा लेके आते हैं तो अगर बच्चा को हम पकड़ नहीं सकते हैं तो अगर गिरने का संभावना है। यहाँ पे आप देख रहे हैं इस तरह का गड्ढा है और पूरी तरह से चिकना पत्थर है। तो हो सकता है कि आप लोग जब भी आए तो थोड़ा सा सावधानी अवश्य बरतें। देख रहे हैं यहाँ पे भी बहुत ही गड्ढा है, तेज बहाव के साथ में पानी जा रहा है और इसमें पूरी तरह से एकदम चिकना लग रहा है एकदम पूरा। अगर मान के चले कि अगर किसी तरह से अगर पैर में फिसलन हो जाता है तो हम यहाँ से पता नहीं कहाँ जाके फंसेंगे, उसका भी कोई गारंटी नहीं है। यहाँ पे काफ़ी मात्रा में जगह जगह पे पूरा खाली पड़ा हुआ है। आप आकर यहाँ पे एकदम नज़दीक में आपका मंदिर है, मंदिर से आपको सामान लाने के लिए भी किसी तरह का कोई दुविधा नहीं है। आप यहाँ पे आकर कहीं पर भी आप यहाँ पे अपना सिलेंडर लेकर या आप चूल्हा बनाकर आप यहाँ पे कहीं पर भी आप अपना पिकनिक मना सकते हैं। नज़दीक में पानी है, आपको धोने उने के लिए सारा सुविधा है। अगर आपको यहाँ पे नहीं करना है तो आप पुल के उस साइड से भी आप वहाँ पे जंगल है, बहुत ही अच्छा मनोरम दृश्य है, आप वहाँ पे भी जाके परिवार के साथ में आप पिकनिक मना सकते हैं। अभी हम लोग यहाँ पे आए हुए थे, अब हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं क्योंकि हम लोग को काफ़ी दूर भी जाना है। तो हम लोग अपना सुरक्षा को देखते हुए अभी हम लोग यहाँ से प्रस्थान करेंगे। धन्यवाद।